Hey fam, welcome back to the Den Star. So we are back again with another video, and God bless you by Anubhav Singh, Basi ki stand up comedy hai ye. And you know, main itne dino se Basi ki already stand ups dekh rahi thi. Pata nahi for some reason, I was like, पता नहीं बड़ा मन कर रहा है। मैं अपनी मतलब हाँ मैं YouTube खोलता हूँ ना तो उसमें हिस्ट्री में मैंने कहा भाई मोबाइल बड़ी वीडियो देख रही है आजकल स्टैंड अप कॉमेडीज वगैरह देख रही है मगर चलो बढ़िया और अब नई वीडियो आई है बसी की तो मजा आएगा वीडियो देखने में लेट्स बिगिन और देखते हैं वीडियो कैसी है किसी ने मेरा लाइव शो पहले सुना हुआ है मुझे लाइव कभी नहीं यार लाइनअप में कहाँ पे जेएनयू JLN स्टेडियम है दोनों जवाहरलाल नेहरू पर बहुत अलग अलग है मेरी पटली मैं कब गया चेली तो जिसने पहले मुझे तो याद नहीं मैम मैंने वहां पे क्या किया था पर कुछ तो सुना ही होगा आपने जो ठीक तो याद आ गया मेरे को 15 मिनट तो हाँ आपका भी कटा 15 मिनट का आपने क्या सुना था भाई DTU वो रेस्टोरेंट वाला वो तो अमेज़न पे डाल दिया मैंने हाँ ठीक है अरे DTU इनका कॉलेज है 5-6 हज़ार बच्चे खड़ा कर देते हैं और आर्टिस्ट को बुला लेते हैं बेइज्जती कराने के लिए ऐसे स्टेज पे जाने से पहले ना ऐसा पानी भर रखा है उसमें जो छोटे ब्लॉक्स हैं तो तकिशीस कासल खेलता हुआ आर्टिस्ट जाता है और लग रहा होता है अगर एकदम से गिर गए 6 हज़ार लोग वीडियो बना रहे और फिर ऐसे बैठा देते गोले में ये एक जोक यहाँ सुना रहे एक यहाँ सुना रहे पलट के यार मैं कोविड के चक्कर में 2 साल पीछे चला गया ना पहले मैं वर्ल्ड टूर करने जा रहा था फिर कोविड आ गया और मुझे लग रहा मैं ही मनहूस हूँ हाँ यार देखो मैंने हॉस्टल वाली वीडियो डाली लॉकडाउन लग गया मैंने रूममेट डाली दूसरा लॉकडाउन लग गया 20 मार्च को मेरा पासपोर्ट आया 22 मार्च को मोदी जी आ गए मैंने मैंने फोर्ड इंडिया पर खरीदी फोर्ड इंडिया से भाग गई तो मुझे लगता था मैंने कहा मैंने खुद अपने आप को बोला कि आप वीडियो नहीं डालेंगे क्योंकि कोविड मेरी वजह से आ रहा है किया तो काफी परेशान कोविड ने बट ठीक है दिल्ली में था ना मैं तो यहाँ तो कोई इज्जत नहीं कर रहा था कोविड मैंने लड़के मास्क एक्सचेंज करते देखे हैं कि अब ये वाला मुझे दे दो थोड़ी देर के लिए आप तो भी मास्क लगा बैठो किसका चूतिया बना रहे हो भाई मेरा गुड़गांव में शो था वो मास्क वाला शो था दोनों को लॉकडाउन के बीच में तो शो के बाद एक लड़का आया कह रहा सर फोटो खिंचानी मैंने कहा भाई मास्क लगा ले वो मास्क लगा के आया और फोटो खिंचाई गया उसने अपना मास्क अपने दोस्त को दिया और वो मेरी तरफ चला मैंने कहा एक सेकेंड मैंने कहा क्या किया तुमने भी तेरा भैया हम पे एक ही है मुझे ओवरऑल ही ना कोविड ऐसा बीमारी पसंद नहीं आई मुझे थोड़ी लवली लवली मौत चाहिए अखबार में तो आएगा कम से कम कि बस्सी को शेर खा गया तुम भी सोचो हाँ शेर था क्या ही कर सकता था हाँ ये माता कोई ऊपर जाके पूछे कि कैसे मर गए सही तो बेस्ट फ्रेंड बैठे थे एक ने छींक दिया मैंने गॉड ब्लेस यू बोला बेंचो मैं ही मर गया यार मुझे ना बाहर जाके पता चला कि कोविड का टेस्ट आसान है जो हमारे साथ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है क्योंकि देखो कोई टेस्ट की प्रैक्टिस तो हुई नहीं थी एकदम से आ गया था फिर कहां से आए टेस्ट करने वाले इन्होंने किसी के भी हाथ में झोला पकड़ा दिया कि जाओ बेटा घर घर जाओ लोगों की नाक तोड़ दो भाई है ना शोज के चक्कर में 1,500 टेस्ट करा चुका हूं मेरा सब खोल दिया इन्होंने मैं घर पे खाली बैठा हूं सांप निकाल लेता हूं इसमें हाँ मतलब मैं तो दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचा उसने वहां जाके ऐसे बिठाया वो सेम वही एयरपोर्ट ऐसे टच करी नाक में निकाल ली करा सर यू मे गो मैं कहा तुम्हें आता ही नहीं है ये ऐसे पूरा खराब कर दो ना उसे जब तक मैं रो ना दूं तब तक कैसे जाने दे रहे खैर नहीं ऐसे ही होता है मैं कहा तुम्हें नहीं आता मैं वापस दिल्ली एयरपोर्ट आया मैं कहा भैया मेरा टेस्ट कर दो भाई एक आदमी ने मेरे दोनों कान पकड़े और मुझे दीवार से लगा दिया फिर एक तलवार मेरी नाक में डाली
तो फिर उनने कुछ ढूंढना चालू करा। भाई उसे देख के लग रहा था ये कोविड को देख सकता है। अभी निकाल के बोल देगा देख रहे हो वाइट वाइट पॉजिटिव। सर हो गया क्या अभी काम, मुंह से बचना है तो। फिर मेरे मुंह में हाथ डाला तो मेरे टोन से लिला दिए। रो क्यों नहीं रहे, रोज हो ना एक बार। मैंने रोना चालू करा, आप ठीक आप जाओ। अब हुआ टेस्ट, गए थे दुबई। पूरे लॉकडाउन में, लॉकडाउन में मजा नहीं आ रहा था। मेरा बर्थडे था तो मैंने ग्रुप पे लिखा दोस्तों को, मैंने कहा आ जाओ मेरे घर पार्टी करते हैं, तो दो ही आए, बाकी सारे पॉजिटिव थे। तो जो पॉजिटिव है वही नहीं आ रहे, कह रहे डर लग रहा है। मैं किस चीज से इस बार यहाँ असर कर रहा है कि? मैंने कहा आ जाओ हमें भी हो जाएगा, सब दारू पी के ठीक हो जाएंगे। वो नहीं आए तो हम तीन ही रह गए। हमने बढ़िया पार्टी वार्टी करी, मेरे शेफ ने अच्छा खाना उन्हें खिलाया। सुबह में उठ के आया तो मेरा शेफ ही घर में मास्क लगा घूम रहा। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है। मैं कब से? कह रहा कल रात से। मैंने कहा तो कल रात क्यों नहीं बताया? कह रहा बताया था, आपने गॉड ब्लेस यू बोल दिया। तो हमें लगा एक बार इसका टेस्ट करके देख लेते हैं, इसी के हाथ से खाना खाया था रात। ऐसे उसका ख्याल रखने का मन भी नहीं था कुछ खास। हमें किसी ने बता दिया तब घर में टेस्ट हो जाता है, वो रैपिड एंटीजन टेस्ट आया था ना। थैंक्स। मैं पटना में शो कर रहा हूँ, वहाँ कोविड ही नहीं आया। मैंने लाइन बोली सन्नाटा। कह रहे यहाँ यहाँ देना क्या टेस्ट? नहीं कुछ नहीं। भाई वहां जो बंदा मास्क लगा रखा उससे दूर भाग रहे बाकी सब। कह रहे कोविड आ रहा। तो खैर हमें पता चला रैपिड एंटीजन टेस्ट आया, तो हमने कहा ठीक है, हमने इसी को भेज दिया। हमने कहा जाओ एक टेस्ट आया लेकर आओ, खुद थोड़ी जाते। हमने कहा जाओ सारे भाई खेलेंगे, 5 विकेट ले आओ। जब तक ये आया ना हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई, इसने ला के रख दिया। कह रहा भैया कैसे करना है? मैं हमसे क्या मतलब, सूंग ले साइड में बैठ के चल। मम्मी से कहता भाई ये बहुत ईजी टेस्ट है, वैसा ही जैसा प्रेगनेंसी का होता है। मेरा पहला रिएक्शन था, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हैं, मैंने कहा मैं कब हुआ, मुझे क्या पता प्रेगनेंसी का कैसे होता है। तो फिर हमने एक्साइटमेंट में थोड़ी देर यूट्यूब पे प्रेगनेंसी का टेस्ट देखा। हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कहां तक चला गया कोविड। बिल्कुल ही उल्टा टेस्ट कर दिया यार। हमने वो किट खोली, उसमें सेम प्लेट निकली, वो जो उस लड़की के हाथ में थी। हमने इसको दी, हमने कहा लो पकड़ो। हमने कहा जाओ वॉशरूम जाओ। जब तक ये वो प्रोसीजर फॉलो कर रहा था तब तक हमने पढ़ लिया। हमने कहा इसका तो बहुत बुरा कटा है, और अब बीच में कैसे रोके इसको। भाई उस पर लाइन आती है, एक नेगेटिव दो पॉजिटिव, उसकी एक भी नहीं आई। लाके दिखाए इसका क्या मतलब, मैं मर चुके हो तुम। फिर हमें लगा एक बार ऊपर से भी करके देख लेते हैं टेस्ट। हुआ तो था ही नहीं ना टेस्ट। तो हमने दूसरी किट खोली, उसमें वो ईयरबड निकलती है ना, वो स्वैब स्वाब जो ईयरबड ही होती है, थोड़ी लंबी होती है वो। हाँ तो उस पर लिखा था इसको नाक में डालो जब तक छींक ना आए। ये तो बहुत बढ़िया गेम है। आ जाओ इधर आ जाओ। फिर मैं उसकी नाक में डाले खड़ा हो गया। मैं कहा आ जाओ छींक दो। छींक ही नहीं रहा। एक दोस्त कह रहा भाई एक तो उसकी दूसरी नाक में डाल दो, साले सच में मर जाएगा ये। अब ये चीज ने छींकना चालू करा, और इस बकचोदी में हम ये भूल गए कोविड का टेस्ट चल रहा है, हम पे छींक रहा है। हम तीनों ने दो दो छींक ली, छींक लेके बैठ गए। मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पॉजिटिव आता दिख रहा है। मैं कह यार मुंह पे छींक आई, हमें तो टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, हमने तो कोविड होते हुए देखा। इसने पूछा भैया क्या रिजल्ट है? मैं 2-3 दिन का खाना बनाओ, भाग जाओ यहाँ से। शाम हम तुरंत दारू पीने बैठ गए। हमने कहा अभी भी हुआ, अभी मिटा देते हैं एकदम। हाँ
हाँ दारू ही बचा रही है, तुम्हें क्या लग रहा है वैक्सीन ने कुछ किया था? एक तुम्हें वैक्सीन लगवाने गया, उसने लगाई, कहती है दारू मत पीना, मैं कहा निकाल लो उसको। बाल तो मम्मी बन रही है इंजेक्शन के बाद ही ज्ञान फैल रही है। ओह भाई ओके दैट वाज इट। मैंने भी ये लाइक ना कई जगह वैसे मीम्स वगैरह में पढ़ा था कि भाई वैक्सीन वैक्सीन से कुछ नहीं है, दारू पियो सारे सारे तो कतर सब कोविड सब भाग जाएगा, और उसी पे भाई जोक बन के आ गया, मज़ेदार वीडियो। एंड आई थिंक बसी के साथ ना लाइक ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है, एंड जब ऑडियंस कनेक्ट करती है तो अलग ही, हाँ बहुत ही मतलब रिलेटेबल लगता है। एंड देन हाँ अरे मतलब मेरा कहने का मतलब था कि अगर जोक जैसे कहीं बोलते ना कि जोक बहुत लाफेबल था, वो भाई हंस के गिर गए, अगर वैसा जोक नहीं भी होगा लेकिन बिकॉज ऑफ बसी एंड उनकी इंटरेक्शन स्किल्स एंड द ट्यूनिंग विद द ऑडियंस, वो एक जोक को मज़ेदार बना देते हैं। एंड वो जोक कम लाफेबल भी हो लेकिन वो सुन के मज़ा आता है, वी एंजॉय दैट, ऐसा वाला सीन है। तो मज़ेदार वीडियो, वी एंजॉयड इट एंड वी होप आपको भी मज़ा आया होगा। अगर आपको हमारे साथ वीडियो देखने में मज़ा आया तो इस वीडियो को एंड ओरिजिनल लिंक लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो चेक दैट आउट। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू गो एंड चेंज, टेक केयर, बाय बाय।